ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक विशेष श्रृंखला हम चला रहे हैं जो कि मृत्यु जैसे गंभीर विषय पर आधारित है। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं यमदूतों की। मान्यता है कि मृत्यु के समय यमदूत जीवात्मा को लेने के लिए आते हैं। इन यमदूतों की संख्या 4 बताई जाती है। ये यमदूत कैसे होते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसे यमदूत लेने आते हैं। ये यमदूत देखने में बहुत भयानक होते हैं। एकदम काले खुले बाल, क्रोध से भरी लाल आंखें, दांतों से निकलती कटकट की ध्वनि और भयानक मुख। इनके हाथ में पाशदंड होता है, इसी से ये जीवात्मा को बांधते हैं। स्मृतियों में 14 यमों के नाम आते हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत, क्षय, उदुम्बर, दहन, नील, परमेष्ठी, ब्रकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इस तरह से कुल 56 यमदूतों की कल्पना की गई है। किस जीवात्मा को कौन से यमलोक जाना है, यह जीवात्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। मान्यता है कि शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है, इसे ही जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा यमलोक के मार्ग में शुभ व अशुभ फल को भोगती है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और दसवें दिन से भूख और प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन पुनः आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन तक लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुँचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीवात्मा यमराज के पास पहुँचती है। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।